रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे राजस्थान के अंदर प्री पीजी 2023 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सामान्य वर्ग के अंदर रैंक लेके आना कोई मजाक नहीं है, या फिर यह रातों रात का प्रोडक्ट नहीं है कि कुछ ही समय बच्चों ने तैयारी की और बच्चों के नंबर आ गए। ये 12 महीने की बच्चों की तपस्या है और इस संस्थान के गुरुजनों की तपस्या है, उनकी मेहनत है, बच्चों का डेडिकेशन है। कई बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर टॉपर ही टॉपर नज़र आ रहे हैं, ये तो बताओ हम अगली साल टॉप करें तो कितने नंबर चाहिए, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रैंक के कितने नंबर आए हैं। अब आपके यहाँ दो एग्जाम होते हैं, एक हॉर्टिकल्चर से और MSc एग्रीकल्चर से पर्टिकुलर। तो मैं आपको यहाँ जो रैंक 5 बता रहा हूँ वो जो MSc एग्रीकल्चर के बच्चों का जो एग्जाम है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से उसकी बात कर रहा हूँ। और आप अगले साल अगर उसमें टॉप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि निकिता मील जिस तरीके से रॉयल से 2022 में फर्स्ट रैंक लेके आई, इस बार ये आपका अशोक इसके साथ में जो कंटिन्यू 5 बच्चे टॉप किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक लेके आए हैं, अगर आप वहाँ दिखना चाहते हो, अगली बार लाना चाहते हो, तो आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि सर हमें नंबर बताओ कितने आ रहे हैं, तो मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देखो। ये जो आपका अशोक राठौड़ बच्चा है, पुत्र श्री दुर्गा लाल जी राठौड़ जिला बूंदी से, ये बच्चा रॉयल का क्रैश कोर्स का स्टूडेंट है। 12वीं के साथ में तैयारी करके जब क्रैश कोर्स करने बच्चा आया था केवल महीने, डेढ़ महीने, दो महीने, तो अच्छे से तैयारी करके बच्चा कोटपुतली कॉलेज में पहुंच गया था। कॉलेज में जाने के बाद में बच्चा निराश नहीं हुआ कि मैंने कम ही समय मिलो, मेरे को संस्थान ने दिया 2-2.5 महीने, डेढ़ महीना का 45 दिन का जो टाइम मिला उसके अंदर मैंने मेहनत करके मैं आ गया यहाँ। अब बच्चे के पास दो ऑप्शन थे कि मैं एक साल तैयारी करूँ टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, या फिर मैं यहीं से पढ़ लूँ कोटपुतली से। बच्चे ने डिसीजन लिया कि कोटपुतली से पढ़ूंगा लेकिन PG के अंदर बेस्ट करके दिखाऊंगा, MSc में अच्छी जगह से करूंगा। ये उस बच्चे का डेडिकेशन है कंटिन्यू, ऐसे रातों रात ये रैंक नहीं लगी है बच्चे की। और आप देखो पूरे राजस्थान के अंदर 281 नंबर लेके आया बच्चा, और लास्ट ईयर निकिता के भी इतने ही नंबर आए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड रैंक की, स्वाति चौधरी पुत्री श्री विद्याधर जी खिचड़ गोकुलपुरा जिला सीकर, सीकर के हमारी सोनिका जाट फर्स्ट रैंक लेके आई, इस बार तीसरी रैंक अपनी वर्ग के अंदर बच्ची लेके आई कोमल, और रितु भी हमारी जो है सीकर की बच्ची थी जिसके बेहतरीन नंबर JET 2023 में आ रहे, यही आपकी सीकर की लाडली है जिसके 275 नंबर आए पूरे राजस्थान के अंदर। इस बच्चे की सेकंड रैंक है, कौन सी रैंक है, सेकंड रैंक, मैं जनरल की बात करूंगा। तीसरा हमारा बच्चा है सनोज कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद्र जी जिला उदयपुर, ये बच्चा है आपकी तीसरी रैंक लेके आया पूरे राजस्थान के अंदर, और इसके नंबर है 271 नंबर है बच्चे के। अगले बच्चे की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा जो है, ये गर्ल्स है जो है अंकिता सिंह राठौड़। आप देख लो टॉप 4 बच्चों में 2 गर्ल्स आ गई है, अंकिता सिंह राठौड़ पुत्री श्री दीपेंद्र सिंह जी राठौड़ जिला भीलवाड़ा, पूरे राजस्थान के अंदर 269 मार्क्स के साथ में ये बच्ची फोर्थ रैंक लेके आई है। आगे की अगर मैं बात करूं फिफ्थ रैंक की, तो आपका ये जो बच्चा है हमारा श्याम सुंदर सुतार पुत्र श्री रामचंद्र जी सुतार नोखा जिला बीकानेर, जी हाँ ये वही बीकानेर है जिसमें ओम प्रकाश गोदारा पूरे राजस्थान के अंदर कृषि प्रेक्षक 2021 में फर्स्ट रैंक लेके आया, कृषि प्रेक्षक 2021 में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की। प्री पीजी 2023 की बात करो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की। जेड 2023 की बात करो, अलग अलग कैटेगरी में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 रैंक के अंदर ही 7 बच्चे टॉप 30 रैंक के अंदर, 50 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के 2023 में JET के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूं, 10th स्टैंडर्ड की बात करूं, JET की बात करूं, CUT की बात करूं, प्री PG की बात करूं, कृषि प्रवेक्षक की बात करूं, हर जगह रॉयल इंस्टीट्यूट के जो रॉयलियंस है, जो हमारी टीम है और जो हमारे योद्धा है, वो अपनी परीक्षा के अंदर सफलता पा रहे हैं। उसके पीछे मेन कारण अगर मैं बताऊंगा तो रॉयल की जो टीम है, जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो है। प्री PG के अंदर मैं बोलता हूं, चाहे आपकी एग्रोनॉमी हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे आपकी प्लांट पैथोलॉजी हो, या फिर आपकी एंटोमोलॉजी हो,
प्लांट ब्रीडिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सोइल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, एक्सटेंशन हो, हर एक जो सब्जेक्ट आपकी उसकी इंडिविजुअल फैकल्टी अवेलेबल करवाइए। कई बच्चे मुझे बोलते थे, अरे सर इकोनॉमिक्स हो गई आपने दूसरे सर क्यों लगाए, अरे सर एक्सटेंशन हमारे हो गई आपने एक सर और लगा दिए, वो और क्यों लगाए? वो इसलिए लगाए कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मैं वीडियो बहुत अच्छे से और ढंग से बना सकूं, और जिस विश्वास के साथ बच्चों ने जो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स लिए, तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ही बच्चों को वास्तव में पता चलता है कि हमारा डिसीजन सही था रॉयल ज्वाइन करना या गलत था। अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि एक ही कोर्स को चार टीचर से पढ़ाने से कुछ नंबर का फर्क पड़ेगा, तो एक नंबर के लिए भी चाहे क्यों ना हो, हमारा बच्चा हमेशा आगे रहे इसके लिए हम प्रयास करते हैं। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही कोच के हाथ में लग गए तो 2024 आपके होगा। जो बच्चा 2024 में प्री पीजी की तैयारी करना चाहता है उनके लिए 15 जून से बिल्कुल फ्रेश बैच चालू कर रहे हैं। 15 जून से जो हम बैच चालू करने जा रहे हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे रहेगा। ऑफलाइन की हमारी पूरे साल की फीस केवल 20,000 रुपये है। उसके अंदर अगर कोई बच्चा ऑनलाइन लेना चाहे तो हमारा ऑनलाइन का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा उस बच्चे को। और यदि कोई बच्चा ऑनलाइन इसी कोर्स को लेना चाहता है तो उस बच्चे को हम जो कोर्स है वो 15,000 का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो केवल 7,000 रुपये में अवेलेबल करवा रहे हैं। और कल शाम से जैसे रिजल्ट आया और उसके बाद में संस्थान की कई बच्चों को पता चला कि रैंक लगातार रॉयल संस्थान की है, तो क्यों ना हम रॉयल संस्थान से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रॉयल संस्थान को ज्वाइन करें। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों की आ रही थी कि सर हम ऑनलाइन कोर्स प्री पीजी ज्वाइन कर लें, इसमें हमने डबल ओ फ्री दे रखा है। फिर भी बच्चों की एक रिक्वेस्ट और थी, सिर्फ कृषि प्रवेक्षक अगर और फ्री दे दो तो मजा आ जाए। तो आप सभी के लिए रॉयल संस्थान अब 15 जून तक अगर आप कोई सा भी हमारा प्री पीजी का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दोनों मोड के ऊपर ही हम आपको हमारा कोर्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको डबल ओ या फिर सुपरवाइजर, दोनों कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री देंगे। ऑनलाइन के साथ में ये दोनों कोर्स ही आपको मिल जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर लेते हो पहले, और बाद में आपके पास लगभग 5 से 6 महीने बचेंगे उसमें आप प्री पीजी की तैयारी कर लेना। आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर इतना बढ़िया रिजल्ट रहा है कुछ तो हमें दो, तो अब आपको संस्थान की तरफ से ये एक ऑफर और दे दिया गया है। निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन प्री पीजी के बच्चों को कॉलेज मिलेगी उस दिन मैं आपके पास लिस्ट लेके आऊंगा कि राजस्थान के अंदर कितनी तो सीट है और कितनी सीट पे एक्चुअल रॉयलियंस ने जो है कब्जा किया है। मैं एक एक करके कॉलेज वाइज आपको लिस्ट बताने वाला हूं। किसी भी बच्चे को पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बार पुनः पूरे डेडिकेशन के साथ में लगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरा प्रयास करें। आपने इस संस्थान को इतना प्यार दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।